हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमी के बारे में मतलब अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, क्या है, कितनी ब्रांचेस होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, हर कुछ आपको इंट्रोडक्शन में मतलब कि पहले इकोनॉमी की मीनिंग जानेंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी होने वाली है। अर्थशास्त्र का परिचय करते हैं। तो इकोनॉमी, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वो हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको ओकियोस, ओकियोस मतलब होता है होम, और नोमोस मींस होता है मैनेजमेंट, राइट? मींस अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो होम मैनेजमेंट, राइट? ग्रीक प्रबंधन क्या होता है आपका? इकोनॉमिक्स। आप घर को कैसे चलाते हो, मैनेज कैसे करते हो, यही होता है इकोनॉमी। वो घर आपका देश भी हो सकता है, वो एक कंट्री भी हो सकती है, एक वर्ल्ड भी हो सकता है, एक फैमिली परिवार भी हो सकता है। मतलब कि कैसे आप घर को मैनेज करते हो, ये इकोनॉमिक होता है। अब ये कब लाया गया, तो मैं आपको बताऊं तो एक इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के इकोनॉमी, मतलब उन्होंने पहली टाइम वो चीज ले लिया है। तो इकोनॉमी, जो एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो इकोनॉमी को जनरेट किया, मतलब ओरिजिनेट किया, लेके आए, और तभी से हम इस सब्जेक्ट को जानते हैं इकोनॉमिक्स। बट आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी, और एक होता है इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस ये है, ये होती है स्टडी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ये होता है। और इकोनॉमी एक रीजन भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकती है, एक कंट्री भी हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये सारे सब्जेक्ट, पब्लिक फाइनेंस, जिसमें से आपने बहुत कम, और मतलब कि हमने सिर्फ इंडिया का इकोनॉमी देखना है। इंडिया में कैसा नेचर है, कैसी पॉलिसी है, इंडिया में एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडिया में इंडस्ट्रीज कैसी हैं, हमने एक इकोनॉमी, हमने इंडिया की इकोनॉमी पढ़नी है, राइट? और इंडिया बाहर से लेन देन करता है, तो पैसों का कैसे लेन देन करता है, थोड़ा बहुत ये करेंगे। आसपास जो होती हैं, किससे रीजनल ब्लॉक होता है, ये सब। तो हमने इकोनॉमी पढ़ना है, आपने इकोनॉमिक्स नहीं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स होता है स्टडी करना। हमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, मतलब उसको अप्लाई कर देना, रियल लाइफ में यूज करना, ये होता है इकोनॉमी, राइट? तो आपने इकोनॉमी इंडिया। तो अगर आपसे कभी पूछता है क्या एक वर्ल्ड इकोनॉमी होती है, क्या एक इंडिया इकोनॉमी है, नो स्टूडेंट, एक फैमिली भी इकोनॉमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे भी तो आप फाइनेंस का यूज करते हो, कि उसको कैसे यूज करना है और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखते हो, यही होता है। तो एक परिवार भी क्या हो सकता है, इकोनॉमी। और आपने क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है, यही हो सिलेबस में मेंशन होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस पूछे आपसे, तो इकोनॉमिक्स होता है स्टडी करना, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इकोनॉमी होती है, जो कि आपने ये पढ़ना है, राइट? बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। अगर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आपको मैं बताऊं, तो इसका डेफिनेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, और बोलते हैं स्कार्ड है, स्केयर्ड है, मतलब कि कम है, स्कार रिसोर्सेज हैं, उसका हमने ऐसे यूज करना है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। इंडिया में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका हम ऐसे यूज करें, उससे जो लोग रहने वाले उस देश के, वो क्या हो गए, उनकी यूटिलिटी, उनकी नीड्स को फुलफिल हो, यही होता है इकोनॉमी। स्कार रिसोर्सेज हैं, स्कार जो हैं रिसोर्सेज हैं, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसी रिसोर्सेज को यूज करना और उसको हर एक पर्सन का जो है नीड को सेटिस्फाई करना, दैट इज योर इकोनॉमिक, सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो ये होता है। इसमें आप हमेशा देखते हो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, एंड देन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन,
वेस्टेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन सब का हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और यही आपकी इकोनॉमी बताती है। नहीं, घर में भी क्या देखते हैं, घर में भी हम यही देखते हैं कि जितना भी इनकम है उसको सही से यूटिलाइज करो कि लोग खा पी ले और थोड़ा हम घर भी बना ले। तो इंडिया भी ऐसे ही करता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर भी करता है, डे टू डे काम भी करता है और एसेट फॉर्म भी करता है, जैसे कि रोड, रेलवे, बिल्डिंग। जो घर में चीजें होती है ना स्टूडेंट, वही एक देश में और एक वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। नहीं, अगर मैं इकोनॉमी के ब्रांचेस की बात करूं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स बोलूं, तो एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो और अदर ब्रांचेस होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, अगर माइक्रो की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन की, मुझे एक ही पर्सन की क्या करना है, स्टडी करना है, इंडिविजुअल मार्केट कंडीशन देखना, एक लोग की डिमांड देखनी, एक की सप्लाई देखनी है, तो वो माइक्रो इकोनॉमी। जैसे एग्जांपल की एक हो गया फर्म, एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया लेबर, तो ये क्या हो जाएगा, फर्म, उपभोक्ता और श्रम जो हो गए, ये क्या है, एक ही, एक पर्सन की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमी। क्लियर है, जब भी वर्ड माइक्रो मतलब छोटे लेवल का काम करना है। बहुत बार आप बजट में देखते हो कि जो है बोलते हैं गवर्नमेंट कि हमने माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाना है, मतलब आप मिनिमम डेवलपमेंट करोगे तभी तो पूरी ओर, मतलब आप एक लेवल पे क्या कर दो, डेवलपमेंट कर दो, अपने आप वो कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। तो मैक्रो मतलब छोटे लेवल से और उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ये आपका माइक्रो से मैक्रो। वही आपका मैक्रो इकोनॉमी होता है जब हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी वर्क, पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, समग्र अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे नेशनल इनकम, ये सारे आप पर होंगे और मैं आपको बताऊं तो जो आप एग्जाम दे रहे हो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। आपने नहीं पढ़ना मार्केट, आपने नहीं पढ़ना यूटिलिटी, आपने नहीं पढ़ना इलास्टिसिटी, आपने इस पे बहुत फोकस करना है, मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में आप क्या पढ़ोगे स्टूडेंट, जैसे कि आपको लिखा होता है सिलेबस में, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, गरीबी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे मैक्रो। पॉलिसी हो गए, बैंकिंग सिस्टम हो गए, ये मैक्रो इकोनॉमी, और ये आप पढ़ते हो, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमी क्या पढ़ना है, तो ये सारी सिलेबस होती हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमी मतलब कि, वैसे अगर माइक्रो और मैक्रो में करें तो हमेशा एक गवर्नमेंट मैक्रो से स्टार्ट करती है और वो डेवलपमेंट अगर मतलब छोटे छोटे डेवलपमेंट करेंगी तो ओवरऑल इंडिया डेवलप्ड होगा ही, राइट। जब इंडिविजुअल की स्टडी करते एक लोग की, एक सेक्टर की, तो हम उसको माइक्रो बोलते हैं। वही पूरे वर्ल्ड, नेशनल इनकम क्या है, पूरी कंट्री की, पॉवर्टी क्या है, पूरी कंट्री की, तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर है, ये होता है। अदर ब्रांचेस भी होती हैं, ये देखिए अदर ब्रांचेस, जैसे अर्थशास्त्र की अन्य शाखाएं भी होती हैं, जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इसको हम देखेंगे। तो कैसा इंडिया में कैसा सिस्टम है ये पूछ लेंगे, तो तीन सिस्टम होता है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, बाजार अर्थव्यवस्था होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर मैं इसकी बात करूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी क्या होती है, तो देखिए हम करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट, तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी को एक ही होता है। मार्केट इकोनॉमी आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल इकोनॉमिस्ट आ गए वो भी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ये जो फेमस, इनको ओरिजिन जो हुआ ये एडम स्मिथ के द्वारा होता,
ये राइट, इनकी बुक थी 1776, इसको करेक्ट करेंगे, इनकी बुक थी 1776 में इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन, और इन्होंने बोला कि इकोनॉमी को मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट पे छोड़ के कभी भी अगर मार्केट वर्ड आए मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप इकोनॉमी करेक्ट हो जाएंगी। ये बोलते थे कि जो प्राइवेट हैं, जो कॉरपोरेट हैं, वही ओनरशिप होंगे, वो प्रॉफिट करेंगे, कंपटीशन होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। ये एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिस्ट, इनका मानना था कि ज़्यादा डेवलपमेंट करना है तो सारी चीज़ें मार्केट, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मार्केट इकोनॉमी कहाँ होती है, वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे मार्केट कंडीशन पे वर्क होता है, जहाँ पे प्राइवेट और कॉरपोरेट का ऑनरशिप ज़्यादा होती है। याद रखिएगा वहाँ गवर्नमेंट मतलब सरकार इंटरफेयर नहीं करती, इसको फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम मतलब कि आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिटर्न्स आ रहा है करें, नहीं रिटर्न्स आ रहे आप बाहर चले जाए। यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करेगा, कोई भी इंटरफेरेंस मतलब कोई एक अथॉरिटी नहीं होगी इकॉनमी। क्या ऐसी इकॉनमी एग्जिस्ट करती है? यस, बिल्कुल करती है। यूएसए आपका क्या है, कैपिटलिस्ट, ये मार्केट बेस्ड इकॉनमी है और यहाँ पे कंपटीशन से मार्केट, अब यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज होती है, अगर कंपटीशन होगा आप सोचोगे कि ये क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मार्केट में गुड्स है, अब मार्केट में गुड्स है जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वहीं पे जाओगे, जिसकी क्वालिटी वर्स होगी वहाँ नहीं जाओगे, तो इससे कंपटीशन इंक्रीज होता है और कंज्यूमर को फायदा होता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, तो जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी, मार्केट बेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वर्क करती हैं, जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ के द्वारा लाया गया कॉर्पोरेट स्वामित्व जो है ये काम करते हैं, सरकार यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती। यस, ये एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ये याद अगर पूछे एग्जाम्पल के तौर पे। एक होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और इसको स्टेट इकोनॉमी, इसको कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, कमांड इकोनॉमी। कुछ टाइम पहले हमारी इंडिया भी सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई फिर से हमारी इकोनॉमी में आए और इंटरवेंशन करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम पॉलिसी लेके आए 1991 में और हम इकोनॉमी, अब तक सोचिएगा हमारी कौन सी है, सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है, या दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सोचिए मैं आपको जवाब दूंगी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है और स्टेट इकोनॉमी इसको बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। ये फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, इनकी बहुत सारी बुक्स है, दास कैपिटल इनकी पुस्तकें हैं, इनका मानना था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कैपिटलिस्ट, बोलते थे वो इकोनॉमी को खराब कर देती हैं, जो लेबर को एक्सप्लॉइट करता है वो कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेसमैन। कार्ल मार्क्स बिल्कुल इससे थे, अगेंस्ट थे पूंजीवादी से। तो ये कैपिटलिस्ट जो कि जर्मन फिलोसोफर हैं, इन्होंने बात करी, राइट। यहाँ पे स्टेट का रोल ज़्यादा होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनकी अथॉरिटी होती है, जो बोलेंगे वही, अगर उन्होंने बोला कि इतना रेट आपने रखना है तो वही रेट रखा जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे मार्केट बेस पे कुछ नहीं होता, लोगों की कोई चॉइसेस नहीं होती, जो सरकार बोलेंगी वही काम होगा। ये क्या है कहीं, यस, प्रेजेंटली चाइना और कुबा में ऐसी जो है इकोनॉमी एग्जिस्ट करती हैं। लास्ट में नोट करेंगे, अगर सोशलिस्ट होती हैं तो कॉर्पोरेशन इकोनॉमी होती हैं, वही कैपिटल
जर्नलिस्ट जो होती हैं वो कंपटीशन, अभी कंपटीशन तो याद रखिएगा, सोशलिस्ट समाजवादी कॉपरेशन पे बिलीव करती हैं, लेकिन वही पूंजीवादी कंपटीशन पे बिलीव करती हैं। तो समाजवादी कार्ल मार्क्स के द्वारा यहाँ पे जो सरकार की भूमिका होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, तो हमने कैपिटलिस्ट पढ़ लिया, सोशलिस्ट। अब हमारे इंडिया, हमारे भारत में क्या चलता है, हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है कि चलो छोड़ दो, बच्चा को खेलने दो, कूदने दो, लेकिन जैसे ही वो बच्चा हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रहा है उसको पकड़ लो। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि हम डिमांड एंड सप्लाई पे काम तो करेंगे, लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड, तो जैसे ही पॉलिसी आएगी, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी, उसको कंट्रोल कर देंगे। अभी एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो अभी एग्जाम्पल देखें, इन्फ्लेशन अनकंट्रोल 2-6% है, चलिए ठीक है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही 6% से ज़्यादा होगा इकोनॉमी, अपने जो सरकार है, जो है गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, वो कंट्रोल लेंगी। अब देखिएगा कभी भी कि इकोनॉमी में ये रेंज दिया जाता है, अगर CRR की रेंज बोलूँ, अगर SLR की रेंज बोलूँ, तो रेंज दिया जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल अप्रोच, करो, खेलने दो, कूदने दो, डेवलप्ड होने दो, जैसे ही बिगड़ेगा उसको पकड़ लो। तो ये चीज़ होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट, मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का कम्बिनेशन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट मेकर डिसीजन लेती हैं पब्लिक सेक्टर, और इंडिविजुअल मेक डिसीजन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, राइट, ये याद रखिएगा। एक इकोनॉमिस्ट जैसे कि सोशलिस्ट को केन्स माफ कीजिएगा कार्ल मार्क्स मांगते हैं, कैपिटलिस्ट को एडम स्मिथ मानते हैं, वही केन्स इकोनॉमिस्ट थे, वो आपके मिक्स इकोनॉमी को मानते थे। वो बोलते थे गवर्नमेंट की रोल एक इकोनॉमी में ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है। ग्रेट डिप्रेशन आया जहाँ पे एडम स्मिथ, मतलब क्लासिकल थ्योरी ख़त्म हो गई और केन्जियन थ्योरी स्टार्ट हुई, और ये बोलते थे गवर्नमेंट एक कंट्रोल करना, इकोनॉमी को चलाना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। तो ये बात, इंडिया और यूके ऐसा कंट्री है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा जाता है, राइट, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं मिलजुल के, राइट। तो ये भारत और ब्रिटेन की बात करें। अब इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑन भी है और यहाँ पे प्राइवेट ऑन भी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमने एवर सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया बिकम अ डेवलप्ड एज गाइडेड बाय ट्विन ऑब्जेक्टिव, ट्विन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेटिक मीन्स है, मतलब यहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे एक दूसरे से पार्टिसिपेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नीति आयोग, नीति आयोग क्यों लाया गया, क्योंकि सब एक दूसरे डिसीजन मेकिंग में काम करेंगे। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सारे सिटीजन, ये नहीं इस सेक्टर को हम डेवलप करेंगे और इस सेक्टर से हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो इस सेक्टर को डेवलप किया, उस सेक्टर, हर एक चीज, और यहाँ पे क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बोलते हैं। तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट, यहाँ पे क्या होता है, जस्टिस होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, सबको एक समान माना जाता है, और यहाँ डेमोक्रेटिक मतलब कि जो भी चीज होगी सबका डिसीजन लिया जाएगा, राइट, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका लिया जाएगा। तो इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी होती हैं, कितने टाइप के सेक्टर होते हैं, 3 टाइप के, 4 टाइप के, 5 टाइप के। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसको प्राथमिक जो क्षेत्र हैं इसमें देखेंगे, वही आपका सेकंड होता है टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर, और इसको माध्यमिक क्षेत्र बोलते हैं, फिर आता है टर्शरी सेक्टर, तृतीय श्रेणी बोलते हैं, एक होता है क्वार्टरनरी सेक्टर, जिसको चतुर्धातुक क्षेत्र बोलते हैं, और क्यूनरी सेक्टर होता है, फिर से बोलूंगे इसको। तो देखिए इंडिया में 4 सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र,
एक होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र क्षेत्र बोलते हैं। आपका दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, माध्यमिक क्षेत्र बोलते हैं, और टर्शरी तृतीय श्रेणी बोलते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर होता है चतुर्धातु क्षेत्र बोलते हैं, और वही क्यूनरी सेक्टर होता है किनरी सेक्टर होती हैं। तो ये पांच सेक्टर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये और ये। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो क्या किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर, जिसको प्राइमरी सेक्टर, मतलब 43% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में इतने लोग तो डिपेंड है, लेकिन एग्रीकल्चर में इतने पॉपुलेशन जो है वो क्या है, डिपेंड है 43%। लेकिन इसमें जो जीडीपी, अब एक हर सेक्टर की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, तो आप बजट सुनते हैं तो एग्रीकल्चर की होती हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर, और इसकी जीवीए सुनते होंगे, जीवीए कंट्रीब्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे, तो जीवीए होता है, हर एक जीवीए होता है। अगर इन तीनों को हम कंबाइंड कर दें तो वो ही आपका जीडीपी, जीडीपी हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। तो आपका इंडिविजुअल अगर सेक्टर की देखें तो जीबीए में कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर की बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं टर्शरी सेक्टर में जीडीपी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर लोगों को जॉब देने में भी देखे तो टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है, राइट। प्राइमरी सेक्टर में हमारा इतना कंडीशन अच्छा नहीं है, बहुत सारे रीजंस है जिसको हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्रोथ है। बट एक और चीज़ याद रखिएगा, हमने प्राइमरी सेक्टर से जंप किया है टर्शरी सेक्टर पे, हमने जो है हमने सेकेंडरी सेक्टर को इतना डेवलप्ड नहीं किया जितना करना चाहिए था। टर्शरी सेक्टर बहुत डेवलपमेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन वही सेकेंडरी सेक्टर नहीं देती हैं। इसीलिए आजकल देखते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट, कि हमने इंडस्ट्रियल को भी ग्रोथ करना है। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को भी अगर इंडिया की बात करें तो इन्होंने बोला यहाँ पे भी स्टार्टअप आएगी, यहाँ पे यूनिकॉर्न इसको सेक्टर बनाना है। तो धीरे धीरे बातें चल रही हैं, लेकिन अगर सिचुएशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर पे जो है हमारी जो है इकॉनमी ज़्यादा डिपेंड है। चलिए एक और एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पे हमारी जो है जो लोगों की एक्टिविटी, लोग जो काम करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, वो एक्टिविटी इकॉनमी में जो एक्टिविटी होती हैं वो थ्री मेजर में होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। आगे भी आप सुनने को मिलेगा क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर, हमें मालूम होना चाहिए। तो प्राइमरी की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्या होंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होगा, हार्वेस्टिंग होगी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जमीन से उपजाई जाएगी, पृथ्वी से उपजाई जाएगी कोई चीज़, तो उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। कौन से मैम बताइए कौन सा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, अरे माइनिंग तो हम इंडस्ट्रीज में करते हैं, क्यों आप खेत से माइनिंग नहीं करते, तो वो माइनिंग सेक्टर हो गई। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, जिसको अलाइड सेक्टर बोलते हैं, तो एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है अलाइड सेक्टर, होता है ना, तो अलाइड सेक्टर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी, प्राइम, दोनों को इंक्लूड करके प्राइमरी सेक्टर, तो दोनों इंक्लूड होंगे, एग्रीकल्चर जो कि आपकी फार्मिंग हो गई, अलाइड सेक्टर मतलब पशुपालन जो होते हैं वो अलाइड सेक्टर, इनकी लाइफ स्टॉक इसको नाम से जानते हैं, तो यही, तो खनन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा इन सब में से फॉलोइंग प्राइमरी सेक्टर है सेकेंडरी, तो ध्यान रखिएगा। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे फिनिश गुड बनेंगे, लेकिन यही प्राइमरी में क्या होगा, रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल बन रहा था और इसको फिनिश गुड्स के नाम से, मतलब कि उस चीज को, उस रॉ था रॉ मटेरियल, उसको खाने के लायक बनाना, वो सेकेंडरी सेक्टर का होगा, राइट। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन दिस सेक्टर में माना जाता है, राइट। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स हो गए, मेटल वर्किंग हो गए, टेक्सटाइल हो गया, प्रोडक्शन होगी, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाता है। मशीन सेक्टर, मशीनरीज, यही होता है। अब आप उपजा लेते हो, अब बोलोगे वहीं पे बनाते हैं, लेकिन अगर आप हार्वेस्ट नहीं करोगे तो खाने लायक होगा, और हार्वेस्ट कहाँ से करते हो, मशीन से, तो मशीन क्या आएगी सेकेंडरी सेक्टर में, क्लियर है। तो सबका अपना अपना काम होता है। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी सेक्टर, ये होता है सर्विस प्रोवाइड, ये आपको टच नहीं कर सकते, इसको फील कर सकते हो देख, जैसे कि आप, नहीं तो ये हो जाता है जैसे कि मैं, सॉरी आपने, जैसे कि मैं, तो सर्विस सेक्टर हो गया। एक्टिविटीज किसमें इन्वॉल्व होगी, रिटेल जो कंज्यूमर को सामान देता है, कितने छोटे में, वही होलसेलर होता है तो बल्क में देता है, तो रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, मूवी देखने जाते हो, कहाँ आएगी, सर्विस सेक्टर में आएगी। बैंकिंग, टूरिज्म हो गई, ये सब आती हैं सर्विस सेक्टर, और हमारे इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर बूम कर रहे हैं, वही कोविड-19 में ये खत्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कोविड-19 में ऐसा कौन सा सेक्टर जहाँ थी वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो आपका एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों, लोग बाहर शहर से गांव आ गए और गांव में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमारे एग्रीकल्चर सरप्लस में हुआ था, लेकिन टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर डेफिसिट में चला गया था, ओके। तो ये सारी हो गई, तो ये है, तो इन देखिए एडवांस्ड कंट्रीज टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया इंडिया में सबसे ज़्यादा जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू में, जो जिसका कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आपका टर्शरी सेक्टर। और एम्प्लॉयमेंट में याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत है, वही होता है क्वार्टरनरी सेक्टर, जो बहुत दिमाग वाले काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, मतलब दिमाग वाले जो होते हैं वो होते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। एग्जांपल के तौर पे इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल बेस एक्टिविटी ये भी कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे काम कर रहे हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग करते हैं, एक साल का प्लानिंग करते हैं, तो क्या होगा, फाइनेंसिंग प्लानिंग, एजुकेशन, ये सब आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा, राइट स्टूडेंट। वही क्विनरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे हाई लेवल एग्जीक्यूटिव आप जो बनोगे किस सेक्टर में होगा, क्विनरी सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफिशियल हो गए, मीडिया पर्सन हो गया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हो गए, ये सब क्या हो गए, क्वार्टरनरी सेक्टर, हाई ऑफिशियल्स पे काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं, राइट। आप भी डिसीजन मेकिंग, तो आप कौन से सेक्टर में आओगे, क्वार्टरनरी सेक्टर में, ओके स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिस प्रकार इस टाइप के आपके होंगे, जैसे कि अगर मैं AEEE की बात करूँ तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 999 में, राइट। उसी प्रकार से आपके पूरे कोर्स प्रीमियम लेक्चर मिलेगा 999 में, राइट। वही आपके सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा कोर्स में, आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको बोथ लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब एक स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए, जो 50 स्टूडेंट लॉग इन करते हैं उनको 50% का डिस्काउंट मिलता है। गोला क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करें और ये कोर्स आप ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, गोला क्लासेस लिखिए, इस प्रकार से इंटरफेस होगा, इसको डाउनलोड करें और लॉग इन करके ले लें, राइट। और अपने एग्जाम जो सोचा है उसको क्रैक करिए। इस प्रकार से हमारे जो रिजल्ट हैं उनमें से एक हैं महक स्वामी, अगर इनकी बात करें तो ये SDM बने, फिर IPS बने। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट, आप टेलीग्राम तो ज्वाइन ही कर ले, अगर आपने फॉर्म भरा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको मालूम होना चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में, सॉरी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपके जो सारे होंगे
क्लियर करेंगे डाउट्स। इस क्लास में इतना ही, नए लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नेशनल इनकम को डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, राइट। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन दबा के दे जाइएगा। धन्यवाद।